And Akbar bhai is very old friend, and he's been my inspiration all the time. So when we were like getting into DJing, he was the legendary DJ already. So for us, Akbar bhai is the number one DJ in India. मुझे बहुत प्राउड है उनके लिए, और इंडिया में सबसे पहले डीजे हैं जो जापान जाके परफॉर्म करेंगे और इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे. इससे अच्छा बड़ा मौका हमें इनको विश करने का एक दूसरा है नहीं. सो बीइंग अ फ्रेंड, बीइंग अ यू नो, ही इज द लेजेंड फॉर अस. आई केम हियर एंड आई वांटेड टू विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द जापान टूर, एंड आई एम रियली रियली ग्लैड दैट आई एम हियर एंड आई एम गोना बी विशिंग हिम देयर. सो पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसे डीजे को बहुत कम इनवाइट आते हैं. हाँ जी, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? हाँ, डीजेस की जो पूरी इंडस्ट्री है, बीइंग अ फीमेल डीजे, आई वुड से दैट हम लोग इंडस्ट्री बहुत छोटी है अभी, और म्यूजिकली हम लोग बहुत आगे कुछ कर रहे हैं. जैसे कि मैं साउंड इंजीनियर हूँ तो मैं प्रोड्यूस भी करती हूँ, अकबर भाई भी प्रोड्यूस करते हैं, सो हम गाने बनाते हैं. बट डीजे इंडस्ट्री थोड़ा छोटा होने से क्या है, हमको एक्सप्लोजर इतना नहीं मिला है. बट वी आर वेरी प्राउड दैट अकबर भाई इज डूइंग समथिंग लाइक दिस, एंड रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट दिस स्टेज इज अ वेरी बिग थिंग, एंड वी वॉन्ट टू विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द जापान टूर. अकबर जी के लिए कोई गाना एक डेडिकेट करेंगे आप? अकबर जी के लिए गाना, देयर आर लॉट ऑफ सॉन्ग्स विच गोज ऑन इन डीजे'स हेड, बट अकबर भाई के लिए फेस्टिवल के लिए. सर, आज कितनी खुशी है आपको? बहुत ही बाहर से जाकर बहुत ही ज़्यादा खुशी है मुझे. सबसे ज़्यादा खुशी यही कि जो डीजे ने, जो आदमी ने डीजे का कल्चर एक्चुअली इंडिया में शुरू किया, वही आज हमारा कल्चर बाहर लेके जा रहा है. तो आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक थिंग. आई मीन, और ये हमारे लिए ओपनिंग है कि अभी ज़्यादा डीजे इंडिया से जापान जा सकेगी, थैंक्स टू अकबर सामी. सर, एक टाइम था कि डीजे की इतनी वैल्यू नहीं दी जाती थी, बाहर के डीजे पे लोग थिरकते थे. हिंदुस्तान में है अकबर सामी जैसे डीजे हैं, तो काफ़ी नाम रोशन किया है और यहाँ से मिलता है. राइट, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है. एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि जो उन्होंने किया है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन इस इंडस्ट्री के लिए शायद कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता है. एटलीस्ट जो डीजे मैं जानता हूँ वो शायद हमें नहीं जाने, लेकिन अकबर सामी को ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो नहीं जानता है इंडस्ट्री में. अभी कंपटीशन तो होता रहता है, लेकिन हमारे कंट्री का पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो एक डीजे कितनी पार्टीज हो जाएगा? सबके लिए काम कंपटीशन जरा भी नहीं है. आई मीन, इट्स अ बिग कंट्री, बहुत सारे लोग, बहुत सारी पार्टियाँ, तो कंपटीशन ऐसा कुछ ऐसा है नहीं. तो डीजे के लिए जैसे कि कोई मंडल नहीं है गाने वाने गाने के लिए, अभी कॉपीराइट की तो कंपनी आ गई, म्यूजिक कंपनियाँ तो हाथ बन गए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? मुझे लगता है कि अच्छा है, क्योंकि अगर कोई गाना रिमिक्स भी होता है, अगर लोग ऐसे ही उसको रिलीज कर देते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो अच्छी बात है. म्यूज़िक कंपनी को, कंपोजर को, सबको इसका शेयर मिलना चाहिए. तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि कॉपीराइट लॉस थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए और अच्छे हैं. ज़्यादातर गाना डेडिकेट करेंगे अकबर सर के लिए? गाना डेडिकेट करना तो आई डोंट नो, मुझे लगता है कि सुल्तान का जो टाइटल ट्रैक है वही उनके अभी जाता है सबसे अच्छा, क्योंकि वही सबसे बड़े सुल्तान है. अगर मैं गाने लगा तो फिर मुझे रिमिक्स करना भी बंद करना पड़ेगा, कोई मुझे देगा ही नहीं कुछ ऐसा. थैंक यू सर. थैंक यू.
pride of the country, I would say. We're very proud of him and we wish him all the luck. He may go and rock Japan and make India proud. I think बहुत पहले बन जानी चाहिए थी. पता नहीं इतनी देर हुई क्यों. I think somebody should make it really soon and it will be such a musical treat. तो ये तो I would be waiting for this and I hope I'm part of it in some way or the other. अच्छा आरडी बर्मन और उनका म्यूजिक आप सुनती है तो लुक सेंटर आपके जैसे क्या आता है. लुक सेंटर जब मैं आरडी बर्मन जी का म्यूजिक सुनती हूँ तो सबसे पहले मुझे एक सोलफुल मेलोडियस कॉम्बिनेशन विद रॉक एंड जैज एंड फंक आता है. बिकॉज आई थिंक ही वॉज अ वेरी रेवोल्यूशनरी म्यूजिशियन. उन्होंने मेलोडी को बहुत ही उस टाइम का जो मॉडर्निज्म था उसके साथ फ्यूज किया था और वेस्टर्नाइज भी किया था. इनफैक्ट आरडी बर्मन वॉज द फर्स्ट म्यूजिक डायरेक्टर इन इंडिया टू स्टार्ट यूजिंग द बेस गिटार. सो ऐसे कुछ चीज़ें हैं, ऐसी ट्रिविया है विच इफ यू नो लर्न अबाउट आरडी बर्मन इट्स वेरी फैसिनेटिंग. ऐसा कौन सा एक्टर है बॉलीवुड में जिसे आप उनकी मूवी का में आप देखना पसंद करेंगे. शिवानी जी, जैसे सिंगर को अक्सर होते आते हैं बाहर से, पहली बार ऐसा हुआ डीजे को लेता है, थोड़ा क्या आते हैं? As far as DJs are concerned, मुझे DJs मेरे फेवरेट हैं. DJs मेरे लिए बहुत ही फेवरेट हैं क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी गाने को स्पाइस अप करने के लिए एक DJ की बहुत अहमियत होती है. एंड आई थिंक एक DJ को ऐसा नाता आया है इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अस क्योंकि हमारे बॉलीवुड म्यूजिक को वहाँ पे पॉपुलराइज करेंगे. सो दैट्स व्हाट द स्ट्रेंथ एंड पावर ऑफ अ डीजे इज. वो म्यूजिक को फ्यूज करते हैं, कंबाइन करते हैं, उनका रिमिक्सेस बनाते हैं और अपना एक स्टाइल लेते हैं. एंड आई एम श्योर डीजे अकबर सामी इज गोइंग टू रॉक जापान. सिंगल डीजे क्या रिश्ता? ओह क्या रिश्ता है. आपने मेरा गाना जिंदा हूँ मैं तो सुना ही होगा राइट. जब मैंने जिंदा गाना बनाया था तो उसका जो म्यूजिक है वो मैंने डीजे निखिल चिरप्पा से बनवाया था और दैट्स व्हेन द सॉन्ग बिकेम अ ह्यूज हिट. तो ये रिश्ता होता है कि सिंगर जब अपने गाने को बहुत ही हिट कराना चाहे दैट्स व्हेन द डीजे कम्स. थियरी बना रही है.
इंडिया के पहले हाउस डीजे थे बहुत साल पहले, जब इंडिया में लोगों को पता भी नहीं था कि हाउस म्यूज़िक क्या है। आइए यहाँ पे अकबर है। उसके बाद उन्होंने बॉलीवुड रीमिक्सेस में पायनियरिंग की और अब बाहर से जब डीजेस बुलाए जाते हैं हमारे इंडिया में, ये पहले जन है जिनको बाहर बुलाया जा रहा है, नॉट टू प्ले बॉलीवुड म्यूजिक बट टू प्ले हाउस म्यूजिक। तो एक इंटरनेशनल डीजे के तौर पे उनको बुलाया जा रहा है, विच आई थिंक इज फैंटास्टिक। कांग्रेचुलेशंस अकबर भाई, एंड थैंक यू फॉर सेटिंग द प्रेसिडेंट फॉर अस एंड ओपनिंग डोर्स फॉर अस टू प्ले इंटरनेशनली। थैंक यू, थैंक यू सो मच, इट्स रियली अ प्राउड मोमेंट। थैंक यू। बहुत खुशी है इसलिए हम आज यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं इनके साथ, क्योंकि लाइक आई सेड इट्स अ पायनियरिंग मोमेंट। पहली बार ऐसा हो रहा है कि बॉलीवुड डीजे को खैर बुलाया जाता है, लेकिन एक इंडियन डीजे को हाउस म्यूजिक जो एक इंटरनेशनल जॉनर है, हाउस म्यूजिक बजाने के लिए जापान वो भी बुलाया जा रहा है जो एक दुनिया के कोने में है। आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड वी ऑल हियर टू सेलिब्रेट एंड कंग्रेचुलेट अपने भाई ऑन दिस। एंड द गुड थिंग इज दैट लोग वहाँ से हिंदुस्तान आते हैं परफॉर्म करने के लिए, तो ये पहली बार हो रहा है कि हिंदुस्तान वेस्ट में जा रहा है परफॉर्म करने के लिए, सो वो एक बहुत बड़ी बात है। एक झंडा कैरी करिए। I am. I'm going to put it right there on my console. पिछले साल मैंने एक बॉलीवुड गिग किया था ऑस्ट्रेलिया में और वो भी इंडिपेंडेंस डे पे, 12 बजे मैंने फ्लैग निकाला और जो तालियां बजी है पेन लाइक मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कोई स्पोर्ट में या कोई ओलंपिक्स में ऐसा कुछ। आई थिंक व्हाट अकबर भाई इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक इज इनक्रेडिबल, एंड अभी मैंने हाल ही में डीजेइंग भी शुरू किया है, इज आ गुरु। थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग सच एन इंस्पिरेशन। शुरुआत जो है जी 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 बेशक 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 वंदे मातरम का कोई रीमिक्स बनाया आपने? जी 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 दैट्स द ओपनिंग ट्रैक। अच्छा, तो फर्स्ट ट्रैक इज बनाया। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बात है कि अकबर भाई वहाँ पे जाके वंदे मातरम प्ले करने वाले हैं जापान में। ही इज गोइंग टू ओपन विद दैट ट्रैक व्हिच आई थिंक इज द बिगेस्ट डेडिकेशन वन कैन गिव टू योर कंट्री, एंड आई मीन रियली हैट्स ऑफ अकबर भाई। आई बीन लिसनिंग टू हिज म्यूजिक जब से मैं पार्टी करना शुरू किया, एंड आज की डेट में मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इंटरव्यूज दे रहा हूँ। आई थिंक इट्स ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी टू बी स्टैंडिंग इन सेम फील्ड। थैंक यू। सर क्लीन शेव है, आप क्या कर रहे हैं? दाढ़ी वाड़ी काफ़ी बड़ा रखी थी, कुछ लुक किया कुछ स्टोरी की डिमांड? मैं एक फिल्म की शूट कर रहा हूँ जिसमें मैं पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहा हूँ, इसलिए मूछ रखी है, दाढ़ी उड़ा दी मैंने, लेकिन काफ़ी ठीक ठाक। लुक्स गुड, लुक्स गुड। लोग बोल रहे हैं कि शूट हो रही है, तो ये फिल्म चल रही है अभी डोंगरी का राजा, एक और फिल्म कल परसों में साइन करने जा रहा हूँ, एक बायलिंगुअल होगी हिंदी पंजाबी, तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं, इट विल टेक मी टू एटलीस्ट अक्टूबर नवंबर टू फिनिश दिस टू। थैंक यू वेरी मच। क्या फर्क, प्यार से चलो। हाँ लुक सेंटर सर जी, पार्टी के बारे में क्या कहें, अकबर के लिए आए हैं और हिंदुस्तान के हमारे वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट डीजेज हैं, 80s से इनकी शुरुआत हुई है और बहुत अच्छा म्यूजिक बजाते हैं और बॉलीवुड में बॉलीवुड रीमिक्सेस के मास्टर हैं और हमारे पुराने दोस्त हैं, पुराने यार हैं, तो इसलिए हम आए हैं उनका हाथ बटाने, उनका साथ बटाने, उनका साथ देने, एंड वी विश हिम ऑल द बेस्ट। सर क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे, आप जा रहे हैं अकबर जी बात, क्या क्या टिप्स देना चाहेंगे आप? अकबर क्या प्रेजेंटिंग इंडिया और जापान में, अकबर क्या टिप दूंगा, एक टिप दे के आएंगे उनको वहाँ पे, क्योंकि अमरीका हो या लंदन हो या हिंदुस्तान या जापान, अकबर के म्यूजिक पे हर कोई थिरकता है मेरी जान। भूखी भूखी आएगा, जब चैनल चाहेगा हम आ जाएंगे, वो चैनल की मर्जी है और होपफुली जल्दी। जावेद जी नरसिम्हा गाना काफी हिट हुआ था वो। जावेद जी नरसिम्हा में कहाँ थे? मेरा कहाँ हुआ था, मैं कहाँ था नरसिम्हा में? वेरी प्राउड मोमेंट फॉर अकबर एज़ वेल आल्सो, ही इज हेडिंग आउट टू जापान टू रिप्रेजेंट इंडिया, बहुत बड़ी फेस्टिवल है, हम लोग बजाने जा रहे हैं हमारे देश की तरफ से।
तो बहुत अच्छी बात है और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और ये जो म्यूजिक है इनका इंटरनेशनली रिप्रेजेंट भी कर रहा है इंडिया, इसके बारे में क्या कहेंगे जैसे जापान में? हाँ जी बिल्कुल, इसीलिए कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है कि जापान से आमंत्रित किया गया है अकबर को, म्यूजिक बजाएंगे वहाँ पर ऑफकोर्स उसकी, और वो काफ़ी सालों से म्यूजिक बजा रहे हैं। आई मीन वी गो बैक अलॉन्ग वे अकबर फ्रॉम आई मीन माई डेज ऑफ डीजेइंग एज़ वेल ऑल्सो, काफ़ी क्लब से उन्होंने साथ में बजाए हैं एंड ही इज़ नाउ टेकिंग इट टू अनदर लेवल, और वो जापान में जाकर यू नो बजा रहे हैं। ही इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द फर्स्ट डीजेस एंड इन रीसेंट टाइम्स टू गो ऑल द वे टू जापान टू प्ले, सो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग। थैंक यू। ये एक्चुअली मैं जानता हूँ क्या होता है, उसकी अहमियत क्या होती है, क्योंकि अभी इंडिया से पहला डीजे जा रहा है फेस्टिवल में परफॉर्मेंस का करने के लिए जापान में, इससे गर्व की बात और कोई नहीं हो सकती। इट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट कैन हैपन। आपको क्या लगता है इंडिया रिटेन कितना कर सकते हैं? इंडिया में बहुत सारा टैलेंट है, सिर्फ खोजने की कमी है, और जैसे ही खोजते जाओगे वैसे वैसे हीरे निकलते जाएंगे। आई थिंक अकबर डिजर्व दिस थिंग व्हाट व्हाटएवर इज गॉट। सर लेटेस्ट नो अबाउट योर अपकमिंग प्लेस, रियली वांट टू सी। या आई एम डूइंग अ नेक्स्ट शो कर रहा हूँ कलर्स के लिए, सो इट बी द फर्स्ट शो आफ्टर 5 ईयर्स, और अभी उसकी शूटिंग शुरू होने वाली है 15th दैट डे आफ्टर, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। ऑन एयर जाएगा अक्टूबर से। क्या आपको आने वाले समय में ऐसे रियलिटी शो भी आपको, अगर ऑफर आएगा तो कर लेंगे रियलिटी शो? बिग बॉस ऑलरेडी कर चुका हूँ मैं। अच्छा, क्योंकि म्यूजिक की बात चल रही है सर, लोग चाह रहे हैं कि आरडी बर्मन को एक बायोपिक बने, आप अगर क्या कहेंगे इसके ऊपर? आरडी बर्मन साहब तो ही इज़ अ लेजेंड, तो लेजेंड्स के ऊपर बायोपिक बनना जायज़ ही होता है। एंड उसके वो एक ऐसे कंपोजर और एक म्यूजिक डायरेक्टर है जिन्होंने एक्चुअली भारत के म्यूजिक का सिनेरियो बदल डाला, तो आई थिंक ही इज़ द राइट पर्सन कि उनके ऊपर बायोपिक बने। अगर किसी एक्टर को आप उनकी भूमिका में देखना पसंद करेंगे तो आप किसे? एक्टर को उनकी भूमिका में अगर आप देखना चाहेंगे बायोपिक के? जी एक्चुअली मिस्टर बच्चन एब्सोल्युटली, क्योंकि उनके अर्लियर के जो स्ट्रगलिंग डेज थे उनके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है लोगों को, खास करके आजकल के जनरेशन को, तो अगर वो बात पता चले कि एक इंसान इतना बड़ा होने के लिए क्या क्या उसके पीछे करना पड़ता है, इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन। थैंक यू सो मच। थैंक यू।